जिंदगी भी कितनी अजीब होती है ना, कब क्या मोड़ लेगी पता ही नहीं, एक पल भी चैन नहीं। जैसे हमारी खुशियां किसी बैग में बंद हों और हम उस बैग को चाहते हुए भी खोल नहीं पाते। अच्छा बताओ मेरा सपना क्या है? क्या है? उस पहाड़ी पर एक मंदिर है, मैं उसी में जाकर शादी करूंगा। लेकिन इस गांव में कोई मंदिर नहीं है। बहुत से हैं मगर मुझे कोई पसंद नहीं आया, और लड़की भी ऐश्वर्या राय से कम नहीं होनी चाहिए। ओह, लेकिन तुम में भी तो कोई खूबी होनी चाहिए। अरे बहुत सारी खूबियां हैं मुझ में, और एक बार लड़की मुझसे बात करेगी तो ना तो बोल ही नहीं सकती। उसके बाद? उसके बाद मेरे बहुत सारे बच्चे होंगे, फिर उन बच्चों के भी बच्चे होंगे, और फिर मैं अपनी सारी झोल झपाटे की कहानियां उन्हें सुनाया करूंगा। वैसे मुझे ज्यादा नहीं जीना है, बस 100 साल तक ठीक है। सपने तो काफी देखते हो। जो सपने देखते हैं उन्हीं के पूरे होते हैं, तुम्हारा भी पूरा होगा। मेरा सपना पूरा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, बेस्ट फ्रेंड साथ हो तो मंजिल आसान हो। और उसने शादी से इनकार किया ना तो ऐसी जगह मारूंगा कि शादी करने लायक नहीं रहेगा। इतना प्यार, मैं मर जावा। फिलिक्स बहुत भोला है, मुझे लगता उसे फंसाया गया है। अगर ऐसी बात है तो तुम सब मुझ पर छोड़ दो, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। चलो चले आओ कि गोद में ले चलूं। कैसा लग रहा है? बहुत ही खूबसूरत है। मेरे हस्बैंड सऊदी से लेकर आए हैं। अभी तो वन पीस है। भैया ये किसने आखिर बापू को इतना मक्खन क्यों लगाया? अब वो जो भी करता है करने दो। मेरी बात सुनो, एक बार उनकी सगाई की रसम पूरी हो जाएगी ना, हम इंदु और भानु से साइन करवा लेंगे। कैसे करवाएंगे? तैयार नहीं हुई तो मुझ पे छोड़ दो, मैं करवा लूंगी। ठीक है। लो वो आ गए। दरअसल हमारी कार रास्ते में खराब हो गई थी, इसी वजह से हम लेट हो गए। कोई बात नहीं, आइए। ये है साली और ये है सब साली। ये राजेश चूना लगाते हैं इनकम टैक्स को, और ये है फाइनेंस सेक्रेटरी, और ये है रंजन चूना गारा लकड़ी का बिजनेस करता है। आइए आइए बैठिए, सब लोग चलो चलो। भैया वो दूल्हा कहाँ? दूल्हा एकदम सही वक्त पे आया है। सुनिए, सारी तैयारियां हो गई हैं। अगर आप कहें तो मंगनी की रस्म पहले कर लें। आप इस तरफ आइए। संभाल के चढ़िएगा, गिरिएगा नहीं। अब अंगूठी की रस्म पूरी करो। रुक जाओ, ये इंदू से शादी करेंगे? क्यों, कोई शक है क्या? मैं ही लड़का हूँ। तुम्हारी उम्र आशीर्वाद देने की हो गई है। गांधी जी वाले सत्याग्रह के फोटो में देखा था मैंने तुम्हें। भैया क्या ये, तुम क्या बात कर रहे हो? जाओ यहाँ से। भैया ये शादी नहीं हो सकती। ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम चाहते हो कि इस बूढ़े की शादी इंदु से हो जाए और मैं चुपचाप खड़ा देखता रहूं? उठ के देख के। दीदी, शामिल होने के लिए कहा था, शादी को बर्बाद करने के लिए नहीं। लेकिन दीदी, मैं इस बूढ़े से इंदु की शादी नहीं होने दूंगा। पर क्यों, क्यों नहीं होने देगा? जब सारी जायदाद चूहे में बर्बाद कर दी थी तब बहन की याद नहीं आई थी? जवाब दे, चुप क्यों है? आज छोटी बहन का घर बसने जा रहा है तो तू उसे भी उजाड़ना चाहता है। अगर तुझे अपनी बहन का ख्याल होता तो तू उसे छोड़कर नहीं जाता। लोग इसके बारे में तरह तरह की बातें करने लगे थे, जीना मुश्किल हो गया था इस बेचारी का। जानते हो, इसके पढ़े लिखे भाइयों ने ये शादी तय की है। अगर इसके नसीब में यही लिखा है तो ये शादी हो जाने दे। और मारिया मुझे, लेकिन मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। अगर ये सब मेरी वजह से हुआ है तो उसमें इंदु का क्या दोष है? मैं सब ठीक कर दूंगा दीदी, मेरा विश्वास कीजिए। तुम सब लोग कान खोलकर सुन लो, ये शादी नहीं हो सकती। तो अपनी रानी बहन को अपने महल में ले जा। भैया ये शादी हो जाने दीजिए, मैं किसी भी तरह एडजस्ट कर लूंगी। इंदु रो मत, बस थोड़ा सा वक्त है, मैं सब ठीक कर दूंगा। ऐसा लड़का ढूंढ के लाऊंगा जो तेरे लायक हो। अपने भाई पर विश्वास है ना तुझे? मैं यहाँ से चला गया था, इसका मतलब ये नहीं कि तेरे भाई को तुझसे प्यार नहीं। अगली तो मेरी जान है। आप समझाइए। पिताजी, मैं जानता हूं कि आपने मुझे कभी अच्छा नहीं माना, लेकिन देखना अब आपको मुझ पर बहुत गर्व होगा। मैं आपके सारे गिले शिकवे दूर कर दूंगा। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया,
बस आप ये शादी रुकवा दीजिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। आप लोग अभी तक यही खड़े, जाइए, शादी नहीं होगी। जाओगे? अभी तक तो कुछ नहीं सोचा, पहले कहीं से पैसों का इंतजाम कर लूं, यहां रुका तो मैं पागल हो जाऊंगा। उस बुड्ढे को तो मंडप से भगा ही दिया, पर इंदु की शादी करनी ही होगी। मैंने वादा जो किया है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरे पिताजी, मेरी दीदी और जो लोग मुझे चाहते हैं नाराज हो जाएंगे, और अगर वो नाराज हो गए तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। तो फिर तुमने ये जिम्मेदारी क्यों उठाई? अब तक मुझे जिस चीज पर भरोसा था वो चीज अब दिख नहीं रही। गोपी, सुसु करने गया था। आंखों से सुसु करने वाला पहला इंसान जी। क्या? रो क्यों रहे थे? नहीं नहीं, मैं रो कहां रहा था, आंखों में तिनका चला गया था। लो, घंटी बज गई है। ये लो। क्या है? तुम्हें सफर में जरूरत पड़ेगी, मेरे पास इससे ज्यादा नहीं है। ये दुनिया गोल है, हो सकता है शायद हमारी मुलाकात फिर हो जाए। इस होटल में बहुत महंगे रूम हैं, 3,000 रुपए पर डे। तुम्हें तो पता ना मेरे खाने के वांदे हैं। सब लोग पहुंच गए क्या? बाकी तो सब पहुंच गए, लड़के वाले आने वाले हैं। और फिलिक्स? होटल में ही है। मैं मुलाकात कर लूं? इतनी जल्दी भी क्या है, वक्त आने पर कर लेना। गोपी, ओ तेरी, तू क्या कर रही है? अबे जल्दी चलना, खाके ही मोटी होगी। अरे चोरों की तरह भागी क्यों? अरे वही पुरानी कहानी अपनी। इसका बाप इसकी शादी कहीं और कराने वाला था, मगर मैं मंडप पे टाइम पे पहुंच गया और उसे उठा के यहाँ ले आया। भाई तुझे 24 घंटे 24 मिनट से ढूंढ रहा हूँ।
ये मेरा दोस्त है मनी, माला। नेकलेस की बात कर रहे हैं? नेकलेस वाली माला नहीं, ये मेघा माला है। ये दोनों सिंगल से डबल होने वाले। अबे 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 क्या क्या हुआ? अबे ये तो वही माला वाली है ना। हाँ। जब तू इससे माला लेकर बेचेगा तब मैं इस माला से शादी कर पाऊंगा, नहीं तो कुंवारा मर जाऊंगा। समझ ले 50-50। अबे साफ साफ बताना है। मैं तुझे बाद में बताऊंगा। अच्छा यार मनी, मुझे थोड़े पैसे उधार दे देना। कितने? ज्यादा नहीं, 7,300 रुपए। रे डॉलर नहीं। तू क्या वहाँ से ऑटो खरीद कर यहाँ आया? इसे भगाने से पहले इसके नानी के घर गया था। वो यहाँ से 11,500 किलोमीटर दूर है। उसका भाड़ा उतना ही होता है। पर ऑटो कहाँ है? तुझे देखने के बाद मैंने होटल में ही ऑटो छोड़ दिया। ऑटो वाले को टोपी पहना के मैं होटल के अंदर गया और वहाँ से छलांग लगा के सीधे यहाँ पहुँचा। उसे जल्दी पटाना होगा मनी, नहीं तो वो पुलिस लेकर यहाँ पहुँच जाएगा। मेरे पास तो सिर्फ 200 रुपए हैं। तेरे खर्चे कितने पड़ गए? कटोरा लेकर यही भीख मांग लेते। लगता है कि लड़के वाले आ गए हैं। मैं जाकर पूछताछ करके आता हूं। छोड़ दे बच्चे, वो मैं क्या छड़ मेरा टाइम चार बार में दिखा रहा है। छोड़ दूंगा सर, मैं बॉय हूँ। बॉय है, वक्त पर शादी हो जाती, चार बच्चों का दादा बन जाता। बॉय है वो, मैं क्या झगड़ा खत्म होकर नहीं जाऊँ। आप लोग पहुँच गए, आइए आइए। उस मान का ध्यान रखना, बहुत चूहे हैं यहाँ पे। चलो जी चलो। बड़ा शानदार होटल है। चूहे जानती नहीं मैं कौन हूँ। ये है मेरा भतीजा और ये है लड़के के डैडी मिस्टर राधे लाल, बड़े नेक आदमी हैं। और ये है इनकी हो चुकी पत्नी मिसेस राधे लाल जी। और ये है सूजी, मेरी इकलौती पत्नी। हम फोन पे बात कर चुके हैं। अच्छा। मेरा साला है चतुरु, नाम का ही चतुरु है, चतुरु नहीं है। समझी जी, बहन कहाँ है? वो फेरों के 2 मिनट पहले ही पहुँच पाएगी, बच्चियाँ तो एग्जाम है। देखिए अगर हम एक दूसरे को इसी तरह इंट्रोड्यूस करने लगे ना तो पूरा दिन यही गुजर जाएगा, इसलिए अच्छा होगा कि आप सब एक दूसरे को जान लीजिए। अब बाबू रूम्स का इंतजाम हो गया ना? नहीं अभी तक तो नहीं हुआ, जब भी काउंटर पर जाता हूँ कुछ न कुछ बहाने बना देता है। अच्छा आप लोग चाय कॉफी पीजिए, मैं अभी आया। सॉरी 1 मिनट, रूम अभी मिलेगा। सुनिए yes? इतनी देरी क्यों हो रही है? 25 दिन पहले मैंने 60 रूम बुक किए थे। मैं माफी चाहती हूँ सर, अभी रूम की साफ सफाई चल रही है। सॉरी सर, तकलीफ के लिए माफी। तब तक आप वहाँ बैठ के कॉफी पीजिए, मैं आपको चाबियाँ भिजवाता हूँ। सॉरी आपको जल्दी रूम मिल जाएंगे, जरा साफ सफाई हो रही है। एक्सक्यूज मी, विजिटिंग कार्ड मिलेगा? यस सर। गुड मॉर्निंग सर। हेलो, मैं हूँ रमन करता। हेलो, मैंने यहाँ एक रूम बुक कराया है। मैं देख लीजिए। सॉरी सर, इस वक्त काउंटर थोड़ा बिजी है, आप थोड़ा इंतजार करिए, मैं आपको चाबी भिजवाता हूँ। बस 15 मिनट। सुनिए आप में से जो भी नाश्ता करना चाहे कर लीजिए। मेरा 4 दिन से नाश्ता नहीं किया मैंने। तो चलिए। अरे यार सही जगह पे काम करते हो, यहाँ तो हर तरफ माल ही माल है। ये सारी लड़कियाँ सड़क छाप नहीं है, ये सभी अच्छे खानदान से हैं। इनकी तरफ नजर डालोगे तो तुम्हें अंदर डलवा दूंगा। तो क्या मैं तुम्हें भिखारी खानदान का लगता हूँ? ओए हमसा के बच्चे, तुम मुगल खानदान से है? सुन नीचे, मैं हमसा नहीं हूँ, करता हूँ करता। करता? तूने अपना नाम बदल लिया? अबे सिर्फ नाम बदला है, लेकिन नाम बदलने से कैरेक्टर थोड़े ही बदल जाता है। मेरी बीबी को मेरे कैरेक्टर पर शक होने लगा है। अगर तुम्हारे पास कोई माल हो तो बताना, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। वो तो ठीक है, लेकिन तुम यहाँ अकेले आए हो? नहीं, वो भी आ रही है। हाँ, मेरा दोस्त भेज रहा है। हाँ। अगर माल पसंद आ गया तो मैं उसके साथ शादी करके लाइफ में सेटल हो जाऊंगा, नहीं तो उसे रिटर्न टिकट दे दूंगा। हलकट जवानी।